भाई कह रहे हैं कि जब से ये गाड़ी में अलाइवल डाले हैं, गाड़ी का पिकअप खत्म हो गया, गाड़ी की जो कूलिंग होती है वो खत्म हो गई, गाड़ी बहुत ज्यादा गर्म होने लग गई। नमस्कार दोस्तों, दिस इज मोनू सागर और आज हम बात करने वाले हैं अलाइवल्स के ऊपर। अगर आप अलाइवल्स डालते हैं तो आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। एक्चुअल में अगर आप इस क्वालिटी के अलाइवल डालते हैं तब आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। हमने ये डाल रखे थे इसके अंदर, ये मैंने खुद अपने हाथ से फिट किए थे, ठीक है। और अब मैं दिखाता हूँ कि ये अलाइवल हमने मंगाए कहाँ से थे। और सबसे पहले ऑनर से मिलाते हैं। तो ये अलाइवल आपने कहाँ से मंगाए थे? दिल्ली से ना, अपने किसी बंदे को भेज, दोस्त को भेज के अलाइवल मंगाए थे। और एक सीट मंगाई थी, सीट कौन सी? ये अली सीट हमने किसके यहाँ से ली थी? खजांची वाले के यहाँ से। और इसका भी वीडियो है, कुछ टाइम बाद इसको देंगे कि इसकी फिटिंग कैसी है। मैंने सोचा क्यों ना कुछ टाइम चला ले। और हमें डालो ही कितना टाइम हो गया है? एक महीना हो गया ना, उसी दिन से टाइट चल रहा था। तो हमने सोचा क्या पता हो सकता है कि यार मतलब नया अलाइवल है तो शायद फिटिंग थोड़ी सी जाम हो गई हो, मतलब अच्छे सेटिंग ना हुई हो। फिर इसे दोबारा खोला, दोबारा बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग करी इसकी, और उसके बाद भी देखिए कि इसका टायर कितना जाम है। पहले एक बार इसका टायर घुमा के दिखाते हैं कि टायर कितना जाम है। अब ऐसे तो बहुत ही दिखेगा नहीं ना, थोड़ा इस साइड से घुमा के अच्छे से दिखाओ। मतलब इतनी पावर लगाओ, ठीक है। और देखो ये ऐसा भी नहीं कि नीचे टच हो रहा हो, नीचे टच भी नहीं हो रहा है और इतना जाम है। टायर अगर चैन टाइट होती है तब भी होता है, पर चैन ढीली है। पूरा आरएच कवर खोल के सफाई कर दिया है, पूरी सर्विस आज कर दी है। और भाई कह रहे हैं कि जब से ये गाड़ी में अलाइवल डाले हैं, गाड़ी का पिकअप ख़त्म हो गया, गाड़ी की जो कूलिंग होती है वो ख़त्म हो गई, गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म होने लग गई। इस टाइप की मतलब जो जितने भी प्रॉब्लम हैं सब आने लगे हैं। और एक बार ज़रा लोगों को बता दीजिए कि ये आपने कितने के लिए थे? 5800 रुपये के। और दिल्ली में वो फेमस दुकान है ना, क्योंकि किसी का नाम लेना सही नहीं है। तो दिल्ली में किसके यहाँ से लिए थे? तो ये दिल्ली में आपने कहाँ से मंगवाए थे? अभी देखो YouTube में एक ही चैनल चल रहा है सबसे फेमस दिल्ली में। अच्छा, तो वहीं से लिए थे। आप समझ ही सकते हो कि क्या करना चाह रहा हूँ मैं। ओके, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो दिखता है वैसा होता नहीं है। इंसान मतलब देखता है कि यार इतने सस्ता माल है और सस्ता माल है, खरीद लो। हेडलाइट भी खरीदी, हेडलाइट कितनी खरीदी थी तुमने? 2200 रुपये की। और उसकी प्रॉब्लम नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताइए प्रॉब्लम कि आपको उसकी। एक तो फिटिंग नहीं है, हाँ बराबर फिटिंग नहीं है। और अगर जैसे हल्का सा कोहरा लग रहा ना, हाँ। तो इसके शीशे में भाप बन जाती। मतलब क्या, अगर हल्का मॉइस्चर वाला, हाँ। मॉइस्चर जम रहा है इसके अंदर, मॉइस्चर अगर वो रहता ना थोड़ा डाउन रहता है, हाँ। तो इस पे भाप बन जाती है। अच्छा, तो काफी टाइम लग जाता है उसको नॉर्मल शीशा वो होने में। और यही लाइट अगर वहाँ दिल्ली में जब वो बंदा दिखाता है ना, तो इंसान क्या करता है आपकी आंखों में मार के दिखाता है लाइट। और 75 वाट की जो वीडियो में देखी थी उसका उजाला बहुत ज्यादा था, बहुत। लेकिन इसका उजाला आपने भी देखा है कितना है करके। पर जब रियलिटी सामने आई तो उस टाइम पे इसका उजाला देखा है कि मतलब अगर मुश्किल से हमारा हेलोजन इससे ज्यादा काम का है ना। बिल्कुल, एक्चुअल में मुझे तो पहले से पता है कि ये लाइट कैसी है, इसलिए मैंने कभी बोला नहीं। अगर मैं बोलूं इंसान कहेगा यार ये क्यों मना कर रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ पहले डाल लो, जब धक्का खाओगे उसके बाद पता चल जाएगा। अब एक बार दिखा देता हूँ कि ये जो अलाइबल्स हैं ये कंपनी कौन सी है जो इंसान एक ही बेचता है। इसका अपना पास जो इसका डब्बा था, डब्बा किधर? घर है, घर में। एक काम करना, मेरे को आप इंस्टाग्राम पे भेज देंगे फोटो? हाँ, मेरे को इंस्टाग्राम पे फोटो भेज देना जिससे कि मैं इंसान को दिखाऊँ लो प्रॉब्लम एक्चुअल में आ कहाँ से रही है इसके अंदर। देखिए जो इसकी ये प्लेट होती है ना, यहाँ से दिखेगा शायद। एक बार इसको यहाँ से पकड़ेंगे आप इस जगह से, बिल्कुल। हाँ, अब क्या देखिए, नई गाड़ी है, प्लेट तो टेढ़ी रहेगी नहीं। और ना ही ऐसा हो सकता है कि यार इसका फेस मिलाया जा सके। और जब स्टार्ट करके देख रहे हैं तो ये प्लेट हिल रही है, इस तरीके से बबल कर रही है, इस तरीके से लाइन मार रही है। और इसका पता कैसे चलेगा, देखिए अगर आपको बिल्कुल ही पता लगाना है तो इसको इसके से अंदर को दबाएंगे कैलीपर को। जब कैलीपर अंदर चले जा रहा है उसके बाद देखिए टायर कितना फ्री हो गया है। देखिए एक बार घुमा रहे हैं, कितनी देर तक का घूम रहा है टायर। और यही एक बार दो तीन बार ब्रेक दबाना, एक दो तीन, बस छोड़ दो,
अब देखिए तो इसका जो यहाँ का फेस है, फेस आउट है, मतलब जितना भी माल बन रहा है रद्दी माल है बिल्कुल, ये बात श्योर हो गई है। देखिए कितना टायर जाम हो रहा है, और इसी को एक बार मैं दोबारा से फिर से जाओ दबाता हूँ अंदर, और अब देखिए टायर कितना फ्री है। तो कभी कभी सस्ता माल हम अच्छा समझते हैं ना, कि सस्ता माल खरीद लेंगे भैया, अच्छा माल मिल रहा है सस्ते में, तो फिर बाद में ऐसे ही पछताना पड़ता है। अभी क्या भाई के पास, हम जिस जगह पे रहते हैं यहाँ पे ऐसा कोई सलूशन है नहीं कि हम यार थोड़ा जुगाड़ जुगुड़ करके कुछ बना दें, क्योंकि भाई ने कितने रुपये खर्च किए थे? सारा सामान 10,000 रुपये खर्च कर रहे थे, पर भाई आज इतना परेशान है, कहता है या तो मैं उतार ही दूँ, क्या करूँ, 10,000 रुपये का सवाल था। तो ये वीडियो बनाने का मतलब मेन मकसद यही है कि इंसान मतलब वीडियो देखता है, आप ये जरूरी नहीं है कि मेरी वीडियो देखो, जिसकी भी वीडियो देखते हो एक बार अच्छे से परख लो, क्योंकि पैसा आपका जा रहा है, मेरा कुछ नहीं जा रहा, हमारा काम है सिर्फ आपको बताना, बाकी आपकी मर्जी होती है कि चीज़ को खरीदना या नहीं खरीदना, आपके काम की चीज़ है या नहीं, ज़बरदस्ती नहीं कि हमने दिखा दिया अब आपको खरीदना ही खरीदना है, आपको पसंद है तब आप खरीदिए, या वो आपके यूज़ का है। मैं तो कभी रिकमेंडेड करते नहीं हूँ कि आप अलाइविल डालो, भाई को अलाइविल पसंद थे, और देखो आज भाई की शक्ल देखो कैसी हो गई है। हाँ मतलब वीडियो देखी जो जो उसमें के यार इतना सस्ता माल मिल रहा है खरीद लो, यहाँ तो महंगा, मतलब हम क्या 8,000-8,500 रुपये के बेचते हैं पर उसकी वारंटी देते हैं, और इवन क्या इस टाइप की तो यार गारंटी देते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी अपने से। तो यही था भाई, काफ़ी परेशान था मैंने, चलो एक वीडियो बनाएंगे, लोगों को बताएंगे कि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन क्या होगा, अब भाई को चेंज करनी पड़ेगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।